हे यूट्यूब पीपल, मेरा नाम है फैक्ट मैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जहां हम ज्ञान बांटते रहेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो बहुत सालों से जिंदा है। भगवान परशुराम विष्णु के छठवें अवतार हैं। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। कहते हैं भगवान परशुराम सारे शस्त्रों के ज्ञानी थे। ऐसा कोई भी अवतार नहीं जिसमें वो माहिर ना हो। महाभारत में उनके 3 स्टूडेंट हैं, वो भी सबसे बेहतर स्टूडेंट, भीष्म, गुरु द्रोण और सूर्यपुत्र कर्ण। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो परशुराम अभी तक पहाड़ों में जिंदा है। जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि होगा तब परशुराम उनको खुद सारे शस्त्रों के ज्ञान देंगे, ताकि भगवान कल्कि कलयुग के पापियों को मार कर फिर से सतयुग की शुरुआत करें और धरती के लोग फिर से धर्म के रास्ते पर चले, अच्छे और सीधे रास्ते। धर्म मतलब कोई कास्ट नहीं, कोई धर्म नहीं। धर्म का मतलब धर्म के 5 रास्ते में ज्ञान, प्रेम, समर्पण, न्याय और धीरज। इस लाइन में रहो, इस लाइन में रहोगे तो मौज करोगे, वरना खत्म। रामायण में विभीषण ने श्री राम की अच्छाई को देखकर अपने भाई रावण का साथ छोड़ दिया था। विभीषण को पता था रावण ने माता सीता का किडनैप करके बहुत बुरा जुर्म किया, इसलिए विभीषण ने रावण का साथ छोड़कर श्री राम का साथ दिया। और फिर श्री राम जब रावण से युद्ध जीत गए तो प्रभु श्री राम ने विभीषण को अजयमर होने का वरदान दिया, ताकि लंका में लोग हमेशा सच्चाई और धर्म के रास्ते में चले। ये तो हमारे वर्ल्ड के पहले सुपर हीरो हैं, जिनके सामने ना तो आयरन मैन ना सुपरमैन टिक सकता। मजाक कर रहा हूँ ना, आयरन मैन सुपरमैन तो बस फिक्शन है, लेकिन हनुमान ओरिजिनल है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो हनुमान जी आज भी जिंदा है। उनका जिक्र हर युग में होता है। सतयुग में भी हुआ था, त्रेता युग में भी हुआ था, द्वापर युग में भी हुआ था और आज के युग कलयुग में भी हुआ है। जी हाँ, श्रीलंका वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर 41 साल में मंगट की एक जनजाति के कबीले वालों को ज्ञान देने के लिए आते हैं। हनुमान जी भी विष्णु के कल्कि अवतार के साथी बनेंगे धरती को शांतिदायक जगह बनाने में। इसलिए अब मैं आपको भी बोल रहा हूँ, सुधर जाओ, बुरे काम मत करो। अगर कल्कि और हनुमान जी आ गए ना, अच्छे से कुटाई हो जाएंगी और फिर मेरे को मत आके बोलना कि फैक्टमैन तुमने ये बात हमको पहले क्यों नहीं बताई। वैसे तो उनको आने में अभी बहुत समय है, लेकिन अच्छे काम में देरी कैसी। वैसे तो सारे अमर लोग किसी ना किसी वरदान से अमर हैं, लेकिन हमारे अश्वत्थामा भैया वो एक शराब के कारण अमर है। अश्वत्थामा परशुराम के स्टूडेंट गुरु द्रोण के बेटे हैं। अश्वत्थामा के माथे में एक अमूल्य मणि है, जिसके कारण वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। वैसे तो अश्वत्थामा अच्छे संस्कारी थे, लेकिन उनके दोस्तों के कारण वो डूब गए। महाभारत के मेन विलन दुर्योधन के साथ वो उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। फिर क्या, जैसी संगत वैसी रंगत। 5 पांडव से युद्ध हारने के बाद जब दुर्योधन मर गया तो हमारे अश्वत्थामा भैया ने 5 पांडव को मारने का प्लान बनाया अपने दोस्त का बदला लेने के। फिर जब वो 5 पांडव को मारने गया तो अश्वत्थामा ने गलती से 5 पांडव के बेटे को मार दिया। तो फिर श्री कृष्ण को गुस्सा आया और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के मणि पे वार किया और श्राप दिया कि टाइम खत्म होने तक तुम जिंदा रहोगे और बीमारियों से सड़ते रहोगे और तुम्हारी माथे से हमेशा खून निकलते रहेगा। चलो ये बात तो हो गई उस काल की। बहुत लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा को आज के युग में भी देखा गया। मध्य प्रदेश के बुरानपुर अशितगढ़ के किले में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जहां रोज सुबह सबसे पहले आकर अश्वत्थामा पूजा करते हैं। रात में पुजारी वगैरह सब लोग साफ सफाई करके चले तो जाते हैं, फिर जब वो सुबह आके देखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर चंदन का टीका और ताजे फूल चढ़े हुए। लोगों ने बहुत बार अश्वत्थामा को किले के पास वाले तालाब में नहाते हुए देखा। लोगों की माने तो अश्वत्थामा 14 फीट से भी ज्यादा लंबा। एक बार एक वेद के पास 14 फीट का एक लंबा इंसान अपने माथे के घाव को सुधारने के लिए आया था।
फिर उस वेद ने उस इंसान को मजाक मजाक में पूछ लिया कि तुम अश्वत्थामा तो नहीं जो तुम्हारे माथे से इतना खून निकल रहा है। तो वैसे ही वो इंसान तुरंत एकदम से गायब हो गया। और एक बार एक रेलवे कर्मचारी गुजरात के जंगलों में छुट्टियां मनाने गया था, तो उसने बताया कि मैं जंगल में 14 फीट लंबे इंसान को देखा। उसने अपना नाम अश्वत्थामा बताया और बोला कि भीम तो मुझसे भी लंबा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून।